नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा लोगों ने तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया, यह 10 साल की सेवा और सुशासन पर मुहर। जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में बारिश, कोयला से भरी रेलगाड़ी के 4 डिब्बे पलटे। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती, हालत स्थिर। पाली में एसीबी ने ट्रैक किए आरपीएफ के 3 अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, मैं 18वीं लोकसभा के सदस्यों को बधाई देती हूं। आप देश के मतदाताओं का विश्वास जीत कर आए हैं, ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। मुझे आशा है आप इसे निभाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं, नेशनल हाईवे बनाने की गति दोगुनी हुई है। मेरी सरकार में पहली बार इतने व्यापक रूप से काम हो रहा है। जयपुर और राजसमंद में सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। प्रदेश के कई अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं, इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। उधर पिछले 2 दिन से हो रही अच्छी बारिश से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 3 डिग्री तक तापमान गिर गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट चेतावनी जारी की है। बुधवार रात पाली भरतपुर अलवर में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। तेज बारिश से पाली समेत कई जगहों पर झरना बहता दिखा। मौसम के इस बदलाव से जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अलवर में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। उधर पिछले 24 घंटे में बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शहडोल रेलवे स्टेशन से लगे यार्ड पर गुरुवार सुबह मालगाड़ी के 4 डिब्बे पलट गए। हादसे की सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से कोयला लोडकर राजस्थान जा रही थी। कोयले से भरी मालगाड़ी जैसे ही शहडोल स्टेशन से लगे यार्ड पर पहुंची तो उसके 4 डिब्बे पटरी से उतर कर पलट गए। हादसा सुबह करीब 6:40 पर हुआ। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार देर शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद एम्स ले जाया गया है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि यह रूटीन चेकअप है। फिलहाल उन्हें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत स्थिर बताई है। 31 मार्च को लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। पाली में एसीबी ने आरपीएफ के 3 अधिकारी ट्रैप किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी की पाली द्वितीय इकाई को शिकायत मिली कि आरपीएफ थाना फालना में दर्ज ऑनलाइन टिकट मामले में उसकी दुकान से लाए गए लैपटॉप एवं अन्य दस्तावेज वापस करने व जांच में मदद करने की एवज में निरीक्षक कृपाल सिंह, उप निरीक्षक डिम्पल व सहायक उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल फालना 2 लाख की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहे हैं। एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेंद्र महावर के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन किया गया और 3 अधिकारियों को परिवादी से 65,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बिल्डिंग बायलॉज में बिल्डरों को दी गई छूट को भाजपा सरकार बंद करने जा रही है। इनमें वे छूट भी शामिल है जो नेशनल बिल्डिंग कोड से परे जाकर दी गई थी। आवासीय बहुमंजिला इमारतों में मैकेनिकल पार्किंग निर्माण करने का प्रावधान हटाया जाएगा। साथ ही ऐसे भूखंड साइज जिन पर बिल्डर को ग्राउंड कवरेज 40% नहीं मिल पाता, उन पर सेटबैक में छूट दी जाती रही है। इस छूट को भी बंद करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इमारत के चारों ओर फायर ब्रिगेड आसानी से घूम सके, इसके लिए सेटबैक भी बढ़ाए जाने की अनुशंसा की गई है। छोटे भूखंडों पर इमारत की ऊंचाई घटाने सहित ऐसे कई नए प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में किए जा रहे हैं। नए बायलॉज की फाइल नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा तक पहुंच चुकी है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से न्यू सांगानेर रोड के रजत पथ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज रजत पथ से पटेल मार्ग लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में 130 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। इसमें 85 दुकानें और 20 मैरिज गार्डन हैं। हालांकि जेडीए की कार्रवाई से पहले ही अतिक्रमियों ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। बुधवार को पहले जेडीए की टीम ने कुल 120 अवैध निर्माण हटाए थे। कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। जानवरों की मदद के लिए आगे रहने वाले उद्योगपति रतन टाटा अब एक कुत्ते के इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। उन्होंने लिखा, मुंबई मुझे आपकी मदद की जरूरत है। घायल पशु का उनके मुंबई स्थित स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल में इलाज जारी है।
दरअसल घायल डॉग को ब्लड डोनर की तलाश है। टाटा ने लिखा, मैं वाकई आपकी मदद की सराहना करूंगा। एनिमल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ को 7 महीने के डॉग के लिए खून की जरूरत है। इसे शेयर करने के बाद से ही पोस्ट वायरल है और इसे करीब अब तक 5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं और आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही इंटरनेट यूजर्स इसे तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उनकी जमानत रुक गई है तो दूसरी तरफ सीबीआई ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पति की मुश्किलों को बढ़ते देख मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी गुस्से में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे जाहिर करते हुए कहा कि वह अब सबकी सद्बुद्धि के लिए नहीं तानाशाह के विनाश के लिए प्रार्थना करेंगी। सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार सुबह अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अब अपनी प्रार्थना बदलने का फैसला किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। जम्मू के एसडीएम ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इसमें महज 3 दिन बाकी हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे हैं। पाली नगर परिषद पर्याप्त यूडी टैक्स वसूलने में नाकाम रही। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली करीब 5.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सरकार ने रोक दी है। अगर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी यूडी टैक्स वसूलने का टारगेट पूरा कर डाटा मुख्यालय भेजते तो नगर परिषद के खाली खजाने में करीब 5.5 लाख रुपए आता है, जिससे शहरी विकास में कई कार्य हो जाते। अब नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी जयपुर के चक्कर काट रहे हैं ताकि उन्हें 5.5 करोड़ की सहायता राशि मिल सके। भीलवाड़ा में पहले से मंदी के शिकार टेक्सटाइल उद्योग को अब बिजली निगम ने झटका दिया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के आदेश के पर अब गुरुवार से उद्योगों में बिजली कटौती होगी। कटौती से शाम 8 से रात 3 बजे तक करीब 400 कपड़ा धागा इकाइयों में काम बंद हो जाएगा। इनमें उत्पादन आधा रह जाएगा। बिजली कटौती बुधवार रात 8 बजे से होनी थी, लेकिन औद्योगिक संगठनों के विरोध करने पर एक दिन आगे खिसका दी। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद 8 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। सैम की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने घोषणा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है। अब वे ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे विवाद हो। पंजाब के गोल्डन टेंपल में योग करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना को पंजाब पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। वहीं मकवाना ने अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को FIR वापस लेने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अन्यथा उनकी लीगल टीम इसका जवाब देगी। पंजाब पुलिस के अनुसार अर्चना मकवाना को नोटिस भेज दिया गया है। इसमें अर्चना को 30 जून को अमृतसर के थाना ई डिवीजन में आकर अपना जवाब दाखिल करना होगा। ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने अफसर शाही हावी होने पर सवाल उठाए हैं। शंकर सिंह रावत ने माना कि कई जगह कांग्रेस राज के समय से लगे हुए अफसर किसी की नहीं सुन रहे हैं। रावत ने माना है कि कुछ जगह अफसर शाही हावी हो रही है और सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। रावत ने कहा, इसमें कई जगह पर हम भी सरकार को सुझाव देंगे और निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिए। कांग्रेस राज के समय से बैठे अफसरों ने कई जगह बपौती जमा रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।